फाइनली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2019-22 का पार्ट 3 का एडमिट कार्ड जो है अभी अभी जारी कर दिया गया है। आप सभी को कहां से और किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर आप सभी को लिखकर सर्च कर देना है। जैसे सरकारी सेंटर लिखकर आप लोग सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का कैटेगरी दिखेगा, एडमिट कार्ड पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे आप सभी को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर LNMU पार्ट 3 एडमिट का डाउनलोड, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा डाउनलोड, यहाँ पर LNMU पार्ट 3 एडमिट का डाउनलोड, आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट कुछ सेकेंड वेट कर लेना है, अभी अभी जो ये लिंक जारी हुआ है तो यहाँ पर जो है जल्दी जो है यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। इस प्रकार से लिंक जो है ओपन हो जाएगा, अपना रोल नंबर जो है सिर्फ इस बॉक्स में डाल देना है, उसके बाद जो आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप एडमिट कार्ड जो इस प्रकार से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ईयर 2019 यहाँ पर पार्ट 3 यहाँ पर दिख रहा है, एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पर देख सकते हैं। ये सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे एडमिट कार्ड पर जो है सिग्नेचर और फोटो जो है ओपन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एडमिट कार्ड पर जो है फोटो और सिग्नेचर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है कि स्नातक तृतीय खंड सत्र 2019-22 के वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने जो है परीक्षा पर पत्र ऑफलाइन के माध्यम से भरा है वे अपना प्रवेश पत्र जो है दिनांक 10/9/2022 से जो है डाउनलोड करेंगे। ऐसे परीक्षार्थी जिनका किसी कारणवश जो है प्रवेश पत्र में फोटो और हस्ताक्षर नहीं हो वे जो है विहित स्थान पर अपना नवीनतम फोटो चिपका कर हस्ताक्षर करते हुए अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से जो है अपना जो है फोटो अभी प्रमाणित करा लेंगे, उसके बाद ही जो है प्रवेश पत्र जो है मान्य होगा। अगर आपका एडमिट कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो आपको जो है अपना से फोटो चिपका देना है और सिग्नेचर कर देना है, उसके बाद जो है आज जो जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ से आपको साइन मोहर करवा लेना है, उसके बाद ही जो है आप लोग का एडमिट कार्ड मान्य होगा। तो यही बात जो यहाँ पर बताया गया है।